नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वारदात ऐसी कि इलाके वालों के साथ साथ पुलिस की भी सांसें अटक गई। दरअसल हुआ यूं कि एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट की बिल्डिंग के टॉप पर चढ़कर कूदने की तैयारी कर ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर 3:50 पर PCR कॉल के जरिए गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि एक लड़की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई है और वहां से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि लड़की लाल रंग का सूट पहने छत पर चढ़ी हुई थी और नीचे खड़े लोग उसे उतर जाने के लिए आवाज लगा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि लड़की नशे की हालत में थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए SHO भी लाउड स्पीकर के जरिए लड़की से बातचीत कर उसे समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। SHO लड़की को लगातार समझा रहे थे कि वो बिल्डिंग की ऊंचाई से हटकर सुरक्षित जगह पर चली जाए। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया ताकि अगर लड़की बिल्डिंग से कूदती भी है तो नीचे जाल बिछा कर बचाया जा सके। पुलिस लगातार लड़की से लाउड स्पीकर के जरिए कह रही थी कि वो पीछे चली जाए, लेकिन लड़की पीछे जाने को तैयार नहीं थी। पुलिस फिर भी लगातार उस लड़की से बातचीत करती रही। उसे उलझाकर रखने का पूरा प्रयास किया गया। इसके बाद लीना नाम की एक महिला को भी छत पर भेजा गया और वो कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे समझाने लगी। बातचीत के दौरान ही लीना ने लड़की को दबोच लिया और फिर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और लड़की को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लड़की का रेस्क्यू किया गया और सीधा उसे दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में ले जाया गया। लड़की ने पूछताछ में अपना नाम समीरा खान उर्फ रीना बताया। लड़की दिल्ली के जगतपुरी की रहने वाली है। समीरा के माँ बाप सऊदी अरब में रहते हैं। वहीं समीरा की दोस्ती गीता कॉलोनी में रहने वाले मयंक से हो गई थी। वो मयंक से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। उसे एक इनकार के बाद ही ये बवाल शुरू हुआ और उस लड़की ने बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए द वंदे भारत।